जहन्नम में गिराया गया पत्थर 70 साल बाद जहन्नम की तह में पहुंचता है। जहन्नम के एक अहाते की दो दीवारों के दरमियान 40 साल की मुसाफत का फासला है। यूट्यूब के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं और यहाँ इस्लामिक स्टूडियो 9 का चैनल ओपन किया हुआ जिसके 3,98,000 सब्सक्राइबर हैं। और अगर इसकी वीडियोज़ को अगर हम ओपन करें तो यहाँ पर इसकी वीडियोज़ जो के हैं ये देख लें। इसके अलावा एक और चैनल है अनाया वॉइस, ये देख लें। यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ कहानियाँ अपलोड कर रही है और ये सब वो वाक़ात अपलोड कर रही है। दूसरी जानब अगर हम सोशल मीडिया को ओपन करें तो यहाँ पर सबसे पहले इस्लामिक स्टूडियो 9 की यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर इसकी अगर हम अर्निंग चेक करें तो मैक्सिमम $368 है और ये $368 से बढ़कर कमा रहा होता है। इसकी डेली की इनकम तकरीबन $45 से $50, अगर $400 को अगर पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करें तो ये अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। मैं आपके साथ हूँ आपका भाई मोहम्मद सिफ्तान। जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देखा कि $368 मैक्सिमम आप कमा, थोड़ा सा मेहनत किया, सिर्फ बैकग्राउंड का यूज़ करना। अभी आपको सिखा दूंगा कि कहाँ से बैकग्राउंड लेनी है, किस तरह से हदीस बनानी और किस तरह से उर्दू फॉन्ट्स को इस्तेमाल करना। और ये सिर्फ कॉपी पेस्ट वर्क है, ये कॉपी पेस्ट वर्क भी अगर आप नहीं कर सकते तो आप चाहे कुछ भी कर लें नहीं कमा सकते। तो इसको कमाने का तरीकाकार मैं आज को मुकम्मल मोबाइल पर बनाने का तरीकाकार समझाऊंगा। और ये तरीकाकार इस्लामिक वीडियोस आप बनाकर हदीस बनाए, अकबाल बनाए या ऐसी वीडियोस, प्यारी प्यारी वाकयात आप इस्लामी वाकयात बयान कर सकते हैं, जिनको बयान करने के बाद $328। और आज पाकिस्तान में डॉलर का रेट 310 रुपये है, 307 रुपये चल रहा है, 310 रुपये, और ओपन मार्केट में 330 रुपये डॉलर का रेट हो चुका है। अगर आप मैक्सिमम $368 का वो कमा रहा है तो उस $400 को तो हमने लगा लिया तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए, तो वो मैक्सिमम कमा ही रहा है। तो 1.5-2 लाख रुपए आप भी कमा सकते हैं। तो वो इसको कमाने का जो तरीकाकार है वो किस तरह से करते हैं और किस तरह से वीडियोस बनाते हैं, कहाँ से हदीस लेते हैं, और आप एक वीडियो को तकरीबन 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं। लेकिन पहले दिन थोड़ी सी तो मेहनत लगती है, हर गुजर कोई भी टॉपिक लो, जो भी टॉपिक लो तो उसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है। लेकिन हर वीडियो में एक ही बैकग्राउंड नहीं रखनी, डिफरेंट बैकग्राउंड इस्तेमाल करते जाना और डिफरेंट टाइटल, और टाइटल किस तरह से लिखते हैं और आपको इस्लामिक वीडियोस किस तरह से वायरल करते हैं, इसकी सीक्रेट ट्रिक भी आपको इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। यूट्यूब पर ना इस्लामिक स्टूडियो 9 वाला ये चैनल ओपन किया हुआ है, ये इस्लामी वाकयात बयान करता है और इस्लामी अहादीस बयान करके अच्छा खासा मंथली कम आ रहा है। तकरीबन इसकी मंथली इनकम $500 है। इसकी जगह अगर हम इसकी वीडियोस को देखें, इसी तरह पॉपुलर कैटेगरी में जाएं तो यहाँ पर देख लेंगे इसने वाकयात बयान किए हुए, हर वीडियो पर 4.5 मिलियन, 6.1 मिलियन। इसी तरह मुख्तलिफ इसकी वीडियोस को अगर हम यूट्यूब पर किसी दूसरे चैनल को देखें तो इसी तरह एक और चैनल है, ये अनाया वॉइस, ये एक फीमेल ने बनाया हुआ। तो यहाँ पर ये सिर्फ अखबार अपलोड कर रही है और अखबार अपलोड करके देख सकते हैं इसकी वीडियोज पर अच्छे खासे व्यूज हैं। तकरीबन ये भी 1.5-2 मिलियन। और इसके अगर चैनल को ओपन करें तो इसके चैनल पर तकरीबन 25,000-26,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और 27,200 सब्सक्राइबर इसके देख लें अभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसकी वीडियोस की कैटेगरी देख लें कि ये किस तरह से बयान कर रही है। तो इसी तरह से आपको कहा कि बेहतरीन फ्रेम्स में आप भी वीडियोस बनाना सीख सकते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद यहाँ पर इस्लामिक वीडियो बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर इमेजेस वाली कन्फर्मेशन कर लेना और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ इमेजेस मिल जाएंगे, फ्री बैकग्राउंड मिल जाएंगे। इनमें से किसी भी एक बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो इसको डाउनलोड कर, यहाँ पर मुख्तलिफ बैकग्राउंड आपको ईजिली तौर पर मिल जाएंगी और हर वीडियो में एक ही बैकग्राउंड लाजमन तौर पर इस्तेमाल नहीं करनी। यहाँ पर किसी भी एक बैकग्राउंड को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद इसे हम अपने मोबाइल में इसी के साथ एक और फ़ोन TTF जमील नूरी ने, क्योंकि उर्दू में हमने बनाने हैं तो उर्दू वाला एक फॉन्ट भी यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इन चीज़ों को डाउनलोड करने के बाद हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब जस्ट आपने फ़ोन में कोई भी एक एप्लीकेशन, इसके बाद आपने अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंशोर्ट को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपने फ़ोटो वाले ऑप्शन में आ जाना और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना जो बैकग्राउंड हमने डाउनलोड की थी उनमें से किसी एक बैकग्राउंड को आपने यहाँ से चॉइस कर लेना। इसको चॉइस करने के बाद सबसे पहले इसको एडिटिंग कर लेना। इसको एडिटिंग करने के लिए आप यहाँ पर आएँगे तो इसके मुख्तलिफ आपने इसके रंग चेंज कर लेने और यहाँ पर इसके रंग चेंज करने के बाद आपने यहाँ फ़िल्टर से इसको गुजार लेना, एडजस्ट कर लेना। यहाँ पर इसकी सिचुएशन को इतना रख लेना है
और इसकी हाइलाइट्स को इतना बढ़ा लेना है, थोड़ा सा बढ़ा लेना है, क्योंकि ये इससे ये होगा कि ये इमेज एक तो पहले थोड़ी सी नॉर्मल साइज़ की थी, तो ये अच्छे से यहाँ से हाई रेजोल्यूशन में हो जाएगी, तो यहाँ हाई रेजोल्यूशन में ये कन्वर्ट हो जाएगी एच डी इमेज ऐसा समझ लें। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा शेप्स को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसकी शेप्स चेंज करने के बाद इसको सेव कर लेना है। इसको सेव करने के बाद दोबारा से ये इस तरह से ये थोड़ी सी वेट लेगा तो सेव हो जाएगी। तो इसके बाद बैक आ जाना और इसको कट कर देना है। इसको कट करने के बाद आपने इसके बाद आपने वीडियो वाले ऑप्शन पर आ जाना। वीडियो वाले ऑप्शन आने पर यहाँ पर फोटो वाले ऑप्शन पर आ जाना। फोटो वाले ऑप्शन पर आकर ये जो पिक्चर हमने एडिट की थी इसको सिलेक्ट कर लेना। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने जस्ट इसको जूम कर लेना। जितनी सेकंड्स और जितने मिनट की वीडियो बनानी है यहाँ तक आपने इस पिक्चर की लेंथ बढ़ा लेनी। इसकी लेंथ बढ़ाने के बाद आपने जस्ट यहाँ पर स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से मुख्तलिफ पिंज वाले पी एन जी स्टिकर्स डाउनलोड कर लेने। उनको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर देख लेंगे ये स्क्रीन भी फिट लग रही, लेकिन नहीं मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो गूगल से आपको मुख्तलिफ पी एन जी स्टिकर्स मिल जाएंगे, उनको आपने डाउनलोड कर लेना। स्टिकर वाले ऑप्शन में आप दोबारा से हम स्टिकर वाले ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कुछ इस्लामिक पी एन जी डाउनलोड कर रखे हैं, तो इनको हमने यहाँ पर एडजस्ट कर लेना, क्योंकि ये वीडियो की थोड़ी सी क्वालिटी और थोड़े से ये वीडियो को और ज़्यादा खूबसूरत बना देंगे। तो लिहाजा इनको आपने इस तरह से डाउनलोड कर लेना। इनको डाउनलोड करने के बाद आपने हदीस और अखबार्स आप किसी बुक से भी ले सकते हैं, और इसके अलावा इंटरनेट से अच्छा खासा प्ले स्टोर से किसी भी एक ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ आपने इसको फिट कर लेना है। यहाँ पर मुख्तलिफ ये जो इसके बाद जस्ट आपने यहाँ पर इन स्टिकर्स को जहाँ फिट फिट लगे आप उनको लगा लेना। यहाँ पर मैं स्टिकर्स को इस कोने में लगा लेता हूँ, यहाँ पर ये कोने में थोड़ा सा एडजस्ट हो रहा है तो इसको बढ़ा लेता हूँ। इससे ये होगा कि तो थोड़ा सा कॉपी जो बैकग्राउंड है इससे कॉपीराइट क्लेम यानी कि रीयूज कॉन्टेंट की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। इस तरह से हमने लगा लेना और हर बैकग्राउंड में अलहदा से आपने एनिमेशन लाजमन तौर पर क्रिएट कर लेनी और आपको ये फ्री में पी एन जी गूगल से मिल जाएंगी। तो इनको यहाँ पर लगा लेना। यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद आपने यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ पर ये खूबसूरत लगेगा, तो आपने उस जगह पर आपने इसको कंडक्ट कर लेना। इसके बाद मैंने एक और स्टिकर डाउनलोड किया उससे कर लेना। इसके बाद आपने स्टिकर पर क्लिक करना और क्लिक एंड पर कर देना, यानी कि वीडियो की एंड तक आपको ये स्टिकर चाहिए तो ये वीडियो की एंड तक स्टिकर लाजमन तौर पर रहेंगे, ऐड रहेंगे। इसके बाद इस स्टिकर पर क्लिक करते हैं और इसको देख लेंगे इसको फिट कौन सी जगह पर लगे, तो हम इसे इस कोने में लगा देते हैं। लिहाजा ये इस कोने में बहुत ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो इस कोने में इसकी बेहतरीन क्वालिटी लगेगी। तो दोबारा से हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम अब उर्दू फॉन्ट्स जो कि हमने डाउनलोड किया, तो यहाँ से जस्ट उर्दू फॉन्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जो हदीस हमें याद थी या हमने डाउनलोड कर रखी है वो आपने जस्ट यहाँ पर आ जाना है, उसको लिख लेना। और उसको लिखने के बाद आपने यहाँ पर जहन्नम में, यहाँ पर अकवाल जो कि मैंने लिखा जहन्नम में गिरा या गया पत्थर, इस तरह से आपने यहाँ पर इसे उर्दू फॉन्ट में लिख लेना है। और लिखने के साथ साथ जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ उर्दू फॉन्ट में, पत्थर 70 साल बाद जन्नत की तह में पहुँचता है, इस अकवाल्स को आपने इस तरह से लिख लेना। इसको एडजस्ट करने के बाद 70 साल बाद पहुँचता है, तो इस तरह से आपने भी इसे एडजस्टली तौर पर लिख लेना। इसको राइट करने के बाद आपने जस्ट ए फॉन्ट्स पर क्लिक कर लेना, जन्नत की तह में पहुँचता है। तो यहाँ पर हमने जस्ट लिख लिया, तो इसको खूबसूरत लगाने के लिए इसके साथ दो कॉमास कन्वर्टेड कॉमास भी आपने लगा लेने। इससे ये होगा, इससे ये जो टेक्स्ट है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इन दो इन्वर्टेड कॉमास को आपने शुरू और आखिर दोनों में लगा लेना है। तो इन्वर्टेड कॉमास को हम शुरू में और एंड में लगा लेते हैं ताकि इससे हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा और खूबसूरत होगा। इसके बाद ए जहाँ आ रहा है इन फॉन्ट्स पर आ जाना, और इसके बाद आपने नीचे आ जाना है, एक ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड, यहाँ पर आपने इम्पोर्ट फॉन्ट पर क्लिक करना जो आपने डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ मैंने पहले जमील नूरी नेस्तलिक और पार्क नेस्तलिक फॉन्ट्स TTF डाउनलोड कर रखे हैं, तो इन फॉन्ट्स को लगाते हैं तो देखें हमारा टेक्स्ट और ज़्यादा खूबसूरत हो गया। अब यहाँ पर आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपने इसकी पेंसिल नुमा आपको आले एडिटेड ऑप्शन पर, तो यहाँ पर आपने इसको बढ़ा लेना, जितने सेकंड तक आप इसको जूम करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद आपने एडिटेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ 3 डॉट्स आ रहे हैं, यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर आप इसकी टेक्स्ट की जिस तरह से चाहें एनिमेशन कर सकते हैं। इस तरह से टेक्स्ट की एनिमेशन करनी है या इस तरह से एनिमेशन टेक्स्ट की करनी है, जिस तरह से आप इस टेक्स्ट की एनिमेशन करते जाएंगे उस तरह से ये टेक्स्ट स्क्रीन पर ओपन होता जाएगा। एक और बात, अगर आपने वॉइस क्लियर और साफ रिकॉर्ड करनी है तो इसके लिए आपको एक नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। इस वीडियो को आपने लाजमी तौर पर इसमें बनाना है, क्योंकि इसमें वीडियो एडिट करना थोड़ा सी ईजी है, तो दूसरे ऐप
में थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरा ऐप कौन सा, उस ऐप को कहते हैं फिल्मोरा, फिल्मोरा को डाउनलोड कर लेना है, जहाँ पर आपकी वॉयस 100% क्लियर आएगी और 100% क्लियर आने की वजह से आप वहाँ पर नॉइस रिमूवर भी आसानी से आप नॉइस रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड से, और इस तरह से आप ये वीडियोज़ एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ से हम कोई भी एक एनिमेशन सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमें यहाँ पर खूबसूरत लगेगी, तो यहाँ पर आपने इसको सेलेक्ट कर लिया तो हमने ये एनिमेशन सेलेक्ट करी, यहाँ इस तरह से आएगा। तो इस टेक्स्ट को दोबारा से आपने सेलेक्ट कर लेना। इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद इस टेक्स्ट को हम पहले से कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हमने ये आदेश कहाँ से लिया है तो उसका साथ में हवाला देना ज़रूरी है। तो ये हमने आदेश सही बुखारी से लिया है, सही मुस्लिम बुखारी से लिया है, तो यहाँ पर उसको कॉपी कर लेते हैं और इससे पहले लिखे हुए टेक्स्ट को कॉपी कर दे। इस तरह से बार बार हमें फॉन्ट चेंज करने से बच जाएंगे और बार बार लिखने से बच जाएंगे। तो यहाँ पर इसे लिख लेना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सही मुस्लिम बुखारी। तो इस तरह से आपने भी लिख लेना ताकि हवाला और ज़्यादा टेक्स्ट भी खूबसूरत लगेगा स्क्रीन पर जैसे ये जूम करेगा और जिस तरह से ये एनिमेशन करेगा। तो यहाँ पर आपने इसको राइट कर ले, क्लिक कर लेना और यहाँ पर आपने जस्ट अपने हैंड से यहाँ पर फिट कर लेना है। इस तरह से फिट करने के बाद आपके पास इसके बाद आपने इस टेक्स्ट को देख लें कि इस तरह से एनिमेशन, इसके बाद इसको डुप्लीकेट कर लेना। डुप्लीकेट करने के बाद आपने कॉपी कर लेना है और इस तरह से दोनों को डुप्लीकेट कर लेंगे तो वीडियो एंड तक ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अब जा रहे हैं नेक्स्ट अखबार लिखने के लिए, तो हमने यहाँ पर जस्ट नेक्स्ट अखबार लिख लेना जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जस्ट आपने राइट इसी तरह से नेक्स्ट अखबार को भी लिख लेना है और इसको नेक्स्ट एनिमेशन और तकरीबन 15 सेकंड के दरमियान आपने दो अखबार लिख लिया। इसी तरह से आपने जस्ट अगला अखबार भी लिख लेना, जिस तरह से बहुत ज़्यादा एनिमेशन और खूबसूरत नज़र आएगा। इसी तरह से आप इस्लामिक वीडियोज़ बनाते रहें और अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। डेली के हिसाब से तकरीबन अपनी वीडियो की लेंथ 3 से 4 मिनट रखनी है। इसके दरमियान अगर आप रखेंगे तो जितनी भी ज़्यादा आपकी वीडियो रिटेंशन बढ़ेगी तो आपकी वीडियो पर यूट्यूब उतने ज़्यादा व्यूज़ लाएगा। तो इसको अपलोड करने का क्या तरीक़ेकार है और इसको अपलोड करने के बाद आप इसमें किस तरह से टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक जानेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी तो सोचा कि दोस्तों के साथ वो ट्रिक नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर लेते। अगर इस वीडियो में हम वो ट्रिक शेयर करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप भी इस वीडियो को फुल वॉच नहीं करेंगे तो जिससे मेरी ऑडियो रिटेंशन गिर जाएगी और वीडियो आप लोगों के लिए भी अच्छी नहीं लगेगी। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई क्रिकेट वीडियो और साथ में यह जानेंगे कि हाउ टू अपलोड वीडियोस ऑन द यूट्यूब विद बेसिक हाई रेजोल्यूशन एंड विद हाई सेटिंग्स।